ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस वंस अगेन। आप सब लोग कैसे हो? एंड आप लोगों के लिए लाइक आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कंसेप्ट इसीलिए मैं लेके आया हूँ कि ये कंसेप्ट जो है, दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली काइंड ऑफ रिपीटेड कंसेप्ट फॉर यू गाइस। लाइक सेस एंड नेट के लिए एंजाइम कैटालिसिस इज वेरी मच हाइप्ड काइंड ऑफ कंसेप्ट, क्योंकि एंजाइम कैटालिसिस के रिएक्शंस या फिर क्वेश्चंस जो है देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट यूजुअली अगर आप थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे, संभाल के देखोगे चीज़ों को, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। उसी को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आज लेके आया हूँ। ऑब्वियसली एंजाइम कैटालिसिस है, बहुत ज़्यादा मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। एंजाइम क्या है क्या नहीं है इसके रिगार्डिंग मैं बात उतना ज़्यादा नहीं करूँगा। ऑब्वियसली आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूलर है, इसके वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, वेट को डाल्टन में एक्सप्रेस किया जाता है। उसके साथ साथ और क्या है, एंजाइम्स जो है दिस आर हाईली स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलरली कैटलाइज करने के लिए यूज होते हैं। और एंजाइम के लिए और क्या होगा, ये लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको लो कर देते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म में ये काम करते रहते हैं, लाइक द वे इट्स डू द वे इट वर्क्स इट बेसिकली थ्रू द लॉक एंड की मैकेनिज्म। सो लॉक एंड की मैकेनिज्म्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी जगह पे। लेकिन जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एंजाइम कैटालिसिस के काइनेटिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है? सो थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे रिगार्डिंग। ओके, आई होप क्लियर है मेरी आवाज़। तो एंजाइम कैटालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन टाइप और काइनेटिक्स की बात करें अगर हम लोग, जस्ट अ मिनट, रिएक्शन काइनेटिक्स की बात करें तो ठीक है, सो कैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस फॉलो होता है यहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम रहेगा, उसके साथ सबस्ट्रेट रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड दैट विल गिव अस द प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन हैज बीन फॉलोड, दिस इज द रिएक्शन मेकानिज्म। सो इसको मैं के वन लिख लू, इसको मैं के इनवर्स वन लिख लू, एज वेल एज इसको मैं के टू लिख लेता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट के साथ एंजाइम फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में ये इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन, सॉरी इक्विलिब्रियम दिखाएगा, फिर लाइक दे आर इन इक्विलिब्रियम, ई प्लस एस एंड ई एस, लाइक दिस इज ई फॉर एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर प्रोडक्ट, ई फॉर प्रोडक्ट। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। रेट क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट। नाउ ई एस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, इसको हम लोग किस चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? देखो व्हाट विल बी द ई नॉट, कितना एंजाइम अनरिएक्टेड है प्लस कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुका है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। क्लियर है? क्लियर है। सो दिस इज फ्री एंड दिस इज अ बाउंड कॉम्प्लेक्स। सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ओवरऑल, सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बता के हुए चलूंगा, सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू रेट इक्वल्स टू के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। दिस इज नोन एज माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, माइकलिस दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। क्लियर? एंड ओ हो सॉरी, एंड जहां पे के एम इज द माइकलिस कॉन्स्टेंट और
माइकल इज मेंटेन कॉन्स्टेंट, दिस इज नथिंग बट, ठीक है, दिस इज व्हाट द माइकल इज मेंटेन कॉन्स्टेंट। यहां पे एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा, ऊपर और या फिर न्यूमेरेटर पे जो चीज प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर पे जो चीज प्रेजेंट है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो चीज प्रेजेंट है दिस स्टेबिलाइज द रिएक्शन और स्टेबिलाइज द कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर। सो दीज आर द स्टेबिलाइजिंग एंड डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर। कैसे? के इनवर्स वन एज वेल एज के टू, ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तोड़ के लेके जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्टेबिलाइजिंग। के वन इज व्हाट इट इज स्टेबिलाइजिंग बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनाने के लिए ये मदद कर रहा है। सो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन इट विल गोइंग टू गिव अस द प्रोडक्ट, देन इट विल गो, इट विल गिव अस द प्रोडक्ट, राइट, अदरवाइज नॉट। सो ये दो चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना एंड ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें टोटल तीन तरह के केसेस देखने को मिलता है। केस वन क्या होगा? इफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज वेरी वेरी लार्जर देन एंजाइम और सॉरी माइकल इज मेंटेन कॉन्स्टेंट, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है माइकल इज मेंटेन कॉन्स्टेंट से, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के टू इंटू ई नॉट इंटू एस, नीचे केम प्लस एस के जगह पे हम लोग क्या चीज है इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इफ दिस इज द केस अप्रोक्सीमेटली दिस, वी कैन नेग्लेक्ट द के एम, सो के टू ई नॉट एस डिवाइडेड बाई एस इज कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस शुड बी कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज द आर मैक्स। सर इसको आर मैक्स क्यों बोला जाता है? सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स सारे ही सबस्ट्रेट जितने एंजाइम प्रेजेंट है उसके साथ बाउंड होगा, अटैच होगा एंड सारे ही कन्वर्ट किस में होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में होगा। एज सुन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गिव अस द प्रोडक्ट, सिमिलरली जैसे ही एंजाइम जो है फ्री होगा इट विल अटैच विथ अनदर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर इज अ वेरी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस और देर इज अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। दैट्स व्हाई ओवरऑल जो रेट हमें देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द आर मैक्स और द मैक्सिमम रेट फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज द बेसिस ऑफ और बेस ऑफ दिस केस वन। सो यहां पर यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सो विल बी मैक्सिमम फॉर दिस केस, विल बी मैक्सिमम फॉर दिस केस, ठीक है। अरे रे बार बार कहा जा रहा है। सो हम लोग इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? आर मैक्स इंटू एस नॉट और एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, वी कैन इजिली राइट दिस थिंग, ठीक है। यस सर, नो प्रॉब्लम। वॉट अबाउट केस टू? अगर माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, सो देन क्या हो जाएगा? के एम प्लस सबस्ट्रेट वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली कन्वर्टिंग इनटू दिस एंड आर इज गोइंग टू बी के टू इंटू ई नॉट सॉरी इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम। ये वाला टर्म क्या है? दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, सो नाउ एन विल बी इक्वल टू वन और फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। क्लियर है? विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वॉट अबाउट द केस थ्री? मैं यहां पर दिखा देता हूं केस थ्री हमें क्या मिलेगा। अगर के एम इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एस हो जाते हैं तो रेट का वैल्यू क्या है? आर मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। मैं क्या करूंगा? के एम के जगह पे माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट के जगह पे एस लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टू एस, एस एस कैंसिल आउट होके आर मैक्स बाई टू। ये हमें क्या बताता है?
जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, तब जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इक्वेशन. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि व्हेन विथ अ नोट वाला साइन की व्हेन एस इज इक्वल टू के एम एंजाइम आर वर्किंग एट एग्जैक्टली 50% एफिशिएंसी. क्योंकि आर मैक्स का हाफ है दैट मीन्स ये 50% एफिशिएंसी में रेट और एफिशिएंसी में काम करेगा. सो दिस इज अ वेरी मच लाइक यूजफुल आउटपुट और यूजफुल रिजल्ट फॉर अस टू कंसीडर दिस केसेस. ठीक है, और यही सारे चीजों को इंक्लूड करते हुए हम लोग लेके आते हैं लाइन वेवर बार्क प्लॉट. दिस इज नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. यह भी मैं बता देता हूं. क्या वैल्यू यूज होगा? वाई आर इक्वल्स टू के टू इंटू ई नॉट इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस. रेसिप्रोकल ले लो टोटल, वन बाई आर इक्वल्स टू के एम बाई के टू इंटू ई नॉट इंटू एस प्लस वन बाई के टू इंटू ई नॉट और के एम बाई आर मैक्स इंटू एस प्लस वन बाई आर मैक्स. सर इस प्लॉट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ फॉलो करेगा. डबल रेसिप्रोकल इसीलिए बोला हम लोगों ने और मैंने, बिकॉज इफ यू प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस वे वी कैन टेक वन बाई आर वी कैन टेक वट वी कैन टेक वन बाई एस सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. दिस इज गोइंग टू गिव अस द स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेयर स्लोप विल बी इक्वल टू वॉट? स्लोप विल बी इक्वल टू के एम बाई आर मैक्स. वॉट अबाउट दिस इंटरसेप्ट? दैट इज गोइंग टू बी वन बाई आर मैक्स. सो फ्रॉम हेयर वी कैन इजिली कैलकुलेट के वैल्यू के एम वैल्यू एज वेल एज आर मैक्स वैल्यू. आर मैक्स क्या हो जाएगा? वन बाई इंटरसेप्ट एंड के एम क्या हो जाएगा? के एम हो जाएगा स्लोप बाई इंटरसेप्ट. क्लियर है? समझ में आया? आ रहा है क्या? दिखाई दे रहे होंगे शायद. ठीक है, दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन वेव बाय बार्क प्लॉट. एंड इसमें और एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाते हैं विच इज नोन एज टर्न ओवर नंबर और टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी. व्हाट इज दिस? इसको हम लोग बताते हैं टीएन से या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट. दैट इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय ई नॉट इक्वल टू के टू. ठीक है, टर्न ओवर मतलब क्या है? के टू और टर्न ओवर नंबर और टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी को TOF भी बोला जाता है. यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा गिव्स नंबर ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट्स दैट एन एंजाइम can achieve per second. ठीक है, this is what the turnover number. और यहां से और एक चीज आते हैं that is known as catalytic efficiency. ये constant देगा catalytic efficiency आते हैं which is nothing but
eta equals to turnover number divided by constant, that is equal to k2 by km. These are useful formulae to understand. And हम लोग यहां से easily कोई भी ग्राफ अगर हमारे पास गिवन होता है तो वहां से हम लोग इजिली के टू कैलकुलेट कर सकते हैं. सर कैसे करेगा, के टू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आर मैक्स का वैल्यू क्या है, के टू इंटू ई नॉट, और हमारे पास ई नॉट अगर गिवन रहेगा तो इजिली हम लोग वहां पे के टू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो अगर आप लोगों को सच में ऐसे और भी कंसेप्ट वीडियोस चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना नेक्स्ट आप किस चीज के ऊपर कंसेप्ट वीडियोस देखना चाहते हो, लाइक कहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना. और ये वीडियो कैसा लगा है उसका भी कमेंट करके बताना. सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.